जय ओ विष्णुपाद परमात्मा अश्वतर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मंत्री शिल भक्त अनंत कोटि वैष्णव भक्त ब्रह्म की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की और भविष्य संबंधी और भविष्य संबंधी और भविष्य संबंधी our glories, our glories, all glories to the lotus feet of Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Air ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय गुरुदेवे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य देशिका जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 38 फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर श्लोक नंबर 38 वेदा धातुः सरोजगंधम सवेददातु पदवीं परस्य दुरंतवीर्यस्य रथांगपाने यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम सवेददातु पदवीं परस्य दुरंतवीर्यस्य रथांगपाने यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम दुरंति सह वही वेदा जान सकता है धातु सृष्टि की पदवीं महिमा को परस्य अध्यात्म का दुरंतवीर्यस्य अत्यंत शक्तिशाली का
रथांग पाने ही भगवान श्री कृष्ण का जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं, यह जो अमायया किसी हिचक के बिना संततया निरंतर अनुवृत्या अनुकूल होकर भजेता सेवा करता है, तत्पादा उनके चरणों की सरोजगंधम कमल की महक। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद दोहराइए। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टि की पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। वे निष्कपट भाव से श्री भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। श्री भगवान के इस नियम का कोई अपवाद नहीं। जो मनुष्य श्री भगवान के भ्रमर प्रतिनिधि द्वारा भद्य होकर श्री भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। मनोधर्म सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी स्वाभाविक प्रेम भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भागवतम भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म की कोई योग्यता ही नहीं। सवेददात परद्वीं परस्या दुरंतवीर्यस्य रथांगपाने यो मायया संततया अनुवृत्य भजेत तत्पाद सरोजगंधम। जो अपनी हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों के निष्कपट अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टि की पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसपे परपोट में कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते। आध्यात्मिक क्षेत्र में
अनेक अनेक स्टेजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं, और ये सारे स्टेजेस में कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं वो गुह्य है। गुह्य का अर्थ है सीक्रेट है। आम आदमी या आम डिवोटी जो साधारण भक्त इस क्षेत्र में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो रहस्य है। गुह्य का अर्थ है रहस्य है। और भक्ति एक रहस्य की चीज है, एक केवल भक्तों के हृदय में ये होता है। भगवत भक्ति में आप आगे जाना चाहते हैं और लक्ष्य को लेके बहुत तीव्र रूप से भक्ति करना पड़ता है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण की प्रसन्नता। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री लक्ष्मीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथ में कृष्ण भावनामृत के जो अंतिम संदेश है, इस संदेश को कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स में बताया कि हर एक कृष्ण भक्त इसको दीवार पर लिख के हर दिन मनन करना चाहिए। क्या है? आराध्य भगवान सा व्रजेश तनय। आराध्य मतलब अगर आप किसी को पूजा करना है वो केवल श्री कृष्ण ही है। चाहे हमारे या हम राम भगवान को पूजा करते हैं या नृसिंह भगवान को पूजा करते हैं या अनेक अनेक भगवान के अनंत रूप हैं, फिर भी जो गौड़ीय संप्रदाय में है शिला प्रभुपाद जी की तरफ से जो शिक्षा आ रही है, हम सबका एक ही लक्ष्य होना है कि कौन है? व्रजेश तनय। ईशा मतलब राजा, किंग। ब्रजा मतलब अर्थ है ब्रजभूमि। ब्रजेश तनय, ब्रज का राजा कौन है? नंद महाराज। हाँ, ब्रजेश मतलब नंद महाराज। नंद महाराज जी के बेटे कृष्णा। हाँ, ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। तद्धाम वृंदावन, ये पुण्य भूमि पर अनेक अनेक तीर्थ स्थान है, फिर भी हमारे जीवन में एक ही पुण्य क्षेत्र हमेशा याद रखना है। क्या है? वो वृंदावन धाम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमेशा विराजमान होते हैं। वृंदारण्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हमेशा रहते हैं, वो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं रह सकते। तद्धाम वृंदावनम रम्या काची उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर भक्ति में जो गुह्य वस्तु है, गुह्य चीज है, अगर इसको जानना चाहते हैं, हम भक्तों को फॉलो करना चाहिए। कैसे भक्त? कैसे भक्त? किस तरीके का भक्त? जो व्रज में जो कृष्ण भक्त होते हैं गोपी का, उनकी भक्ति की तुलना असंभव है किसी के साथ। तुलसी का अर्थ है जिनकी भक्ति या जिनकी कृष्ण भक्ति और किसी के साथ तुल नहीं सकते हैं, उनका नाम है तुलसी।
तुलसी आप जानते हो, तुलसी का अर्थ ही है जिनकी भक्ति और किसी जिनकी भक्ति की तुलना नहीं कर सकते हैं उस व्यक्ति को हम तुलसी कहते हैं। और तुलसी एक तरफ से देखा जाए एक सामान्य पत्ते हैं, ग्रीन लीफ है, फिर भी जितने सुगंध पुष्प आप भगवान को अर्पित करते हैं बिना तुलसी सब अधूरा ही है। इसलिए तुलसी को महापुष्प कहते हैं। अगर कोई आपके पास कोई फूल नहीं है, पुष्प नहीं है, अगर आप तुलसी को अर्पण करते हो ये सब कुछ है। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी तुलसी नहीं है वो कुछ नहीं है भगवान के लिए। और वैकुंठ में भगवान हमेशा तुलसी माला पहनते हैं। चाहे भगवान के गले में वैजयंती माला हो या नहीं, तुलसी माला तो होती है। तो तीसरा स्कंध में जो वैकुंठ का वातावरण, जो एटमॉस्फेयर, वैकुंठ के लोग कैसे रहते हैं, वहां पे वातावरण कैसा होता है, तो इस चीज में ये बताया गया, मंदार कुंड कुरुकोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलांगज पारिजात। मतलब आप वैकुंठ में क्या क्या फ्लावर्स मिलते हैं, पुष्प मिलते हैं जानना चाहते हो? यहाँ पे रोजेस है, मोतिया है या गेंदा है, वहां पे इससे बढ़िया फ्लावर्स मिलते हैं। मंदारा, मंदार को आप यहाँ देख भी नहीं सकते, ये अलग पुष्प है। कुंदा, कुरबा, उत्पला, चंपा, चंपा तो मैं कभी पाकिस्तान में देखा नहीं, अगर आप वृंदावन जाते हैं चंपा को हम देख सकते हैं। श्रीमती राधारानी का जो रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, जो त्वच का रंग है वो चंपा का फ्लावर रंग है। अगर आप इंडिया जाते हैं तो चंपा जो कलर है वो श्रीमती राधारानी का कलर है। आरना, ये सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुगंध फ्लावर्स है। गंधेर्चिते तुलसी का भरणेन तस्या यस्मिन तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। गंधेर्चिते मतलब ये सारे पुष्प बहुत सुगंध अर्पण करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। मगर श्री कृष्ण तुलसी माला को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फर्स्ट प्लेस देते हैं। जब वो फर्स्ट प्लेस देते हैं बाकी सारे पुष्प वो सर्वयोग्य है, मतलब बहुत सुगंध निकलते हैं, फिर भी ईर्ष्या नहीं रहती है, क्योंकि गंधेर्चिते तुलसी का धरणेन तस्य यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। ये सारे पुष्प माता तुलसी को क्यों आदर करते हैं, वो बहुत तपस्याएं की। किस तरह की तपस्या की? भगवान भक्ति प्राप्त करने की तपस्या की। तो इसलिए गोपी गण रम्या का थी उपासना ब्रजवधु कल्पेना, इसका अर्थ है हम हमेशा जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए, मैं इस तरह का भक्त बनूं। वो कैसे भक्त है? गोपी भाव। गोपी भाव का अर्थ क्या है? साड़ी पहन के कृष्णा कृष्णा जप करे, गोपी भाव का अर्थ क्या है? भगवान से कृष्ण के लिए ही सब कुछ, उनको प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, बस और कुछ नहीं। दो चीज है, मैं कृष्ण के लिए सब कुछ हूं, एक है कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है। तत्व के रूप से दोनों एक ही जैसा लगता है। कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है,
इसका मतलब जो भी मैं जीवन में पाना चाहता हूँ सब कुछ कृष्ण के द्वारा ही मिल रहा है, ये कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है। और दूसरा, कृष्ण के लिए मैं सब कुछ हूँ, ये नेक्स्ट लेवल है। कृष्ण के लिए सब कुछ हूँ मतलब अगर मैं भक्ति में आनंद पाता हूँ या ना पाता हूँ, अगर कृष्ण के लिए ये चीज प्रसन्न है तो मैं कर सकता हूँ, तो मेरा जीवन कृष्ण के लिए है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कृष्ण है, हमारा जीवन कृष्ण के लिए है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण हमारे जीवन के लिए है। इसको गोपी भाव कहते हैं। भगवान भी गोपियों से डरते हैं, सारी सृष्टि भगवान से डरती है, मगर भगवान गोपीगण से डरते हैं। क्यों? वो इतना प्यार करते हैं, आराधना करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी परम वैष्णव है, उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा हमें मिल रही है, उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा मिल रही है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, मैंने तीन डिस्कस किया। एक है आराध्य भगवान सा व्रजेश तनय, दूसरा तद्धाम वृंदावनम रम्या काची उपासना वर्गे नया कल्पित, और चौथा प्रेमा पुमार्थो महान, कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम का अर्थ क्या है? एक्चुअली कृष्ण प्रेम से भी और एक है, तत्व के रूप से देखा जाए कृष्ण प्रेम ही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम से भी और एक चीज अधिक है, कोई बता सकते हैं? कृष्ण सेवा। जैसे सोचे मेरे लाइफ में गोल है, आपने ये गोल को अचीव किया है, एक गोल को अचीव करके और कुछ करते हैं या और किसी रास्ते पर जाना चाहते हैं, इसको गोल नहीं कहते हैं, लक्ष्य नहीं है आपके। कृष्ण प्रेम पाने के लिए भगवान का नाम जपते हैं, कृष्ण प्रेम पाने के बाद भी भगवान का नाम जप करते हैं। भगवान का नाम जप करना कृष्ण प्रेम से ही अधिक है। जब आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हो कहाँ जाते हो? भगवान के धाम। भगवान के धाम जाके आप क्या करते हो? क्या करते हो? भगवान का नाम लेते हो। गोलोक वृंदावन हाफ पार्ट को औदार्य धाम कहते हैं, हाफ पार्ट को ब्रज धाम कहते हैं। औदार्य धाम में चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन हमेशा चलती रहती है, और जो हाफ पार्ट में जो भगवान ब्रजधाम है वहां पे रासलीला चलती रहती है। भगवान रासलीला और संकीर्तन में कोई भेद नहीं है, ये बात समझना। भगवान की रासलीला और भगवान की संकीर्तन में कोई भेदभाव नहीं है। जो संकीर्तन में भगवान का प्रचार करता है वही असली गोपी भाव है या राधा भाव है। राधा भाव क्या है? श्रीमती राधिका क्या सोचती है? श्रीमती राधिका क्या सोचती है? कृष्ण के साथ रह के आनंद में रहूं? नहीं, कृष्ण को आनंदित कर। हाँ, कृष्ण को आनंदित कैसे कर? कृष्ण कैसे आनंद में रहते हैं? अगर आपके पास 10 बेटे हैं, एक बेटे तो चला गया, तो आप 9 बच्चे जो बाकी है उनके साथ एंजॉय कर सकते हो?
आपके सारा ध्यान उसी के ऊपर है, वो आपके साथ नहीं। हम सोचते हैं कि भगवान हमेशा आनंद चिन्मय है, हो सकता है कोई गलत नहीं उस पर, फिर भी भगवान के अंदर कुछ एंग्जाइटी है। वो क्या है? सारे बद्ध जीवों को कैसे उद्धार किया जाए, ये भगवान की एंग्जाइटी है। श्रीमती राधिका और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान को, भगवान का मन है, इसको अच्छी तरह समझती है। तो राधा रानी की भक्ति क्या है? सारे बद्ध जीवों को उद्धार करना, यही महाभाव है। तो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार प्रचार में लगे रहना ही श्रीमती राधा रानी का भाव को हम एक तरह से अपनाते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में ऐसे भक्ति को पाने के लिए तीन चीज आवश्यक है, ये है अमायया, संततया, अनुवृत्या। अमायया का अर्थ क्या है? निष्कपट, निष्कपट। चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त ने पूछा है, वैष्णव आचार क्या है? वैष्णव सदाचार आप जानते हैं, किस तरह जप करना है, किस तरह बोलना है, जैसा कल रात को हम स्थित प्रश्न के बारे में बताए हैं। तो ये वैष्णव सदाचार का अर्थ क्या है? महाप्रभु ने एक वाक्य में कंप्लीट किया है, क्या है? असंग त्यागी यही वैष्णव आचार। वैष्णव का अर्थ ये नहीं है कि वो वैष्णव के साथ संगत लेता है। वैष्णव का अर्थ ही कि वो जो असंग है या जो जो अवैष्णव संग है उसको दूर रखते हैं, यही वैष्णव का प्रमुख लक्षण है। हम जीवन में ये देखना चाहिए कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूं कि जो बुरी संगत है उससे दूर रहने की। वैसे तो हम भक्त के साथ मिलते हैं, हमारी भक्ति जिस तरह आप प्रयास करते हैं ये बुरी संगत से दूर रहना, उस तरह आप आपकी भक्ति आगे जा सकती है। भक्ति भक्तों की संगत से जरूर आगे जा सकती है, फिर भी जो वेलोसिटी है या जो शक्ति है, जो तेज है, ये तेज जितनी तेजी से आप जो अवैष्णव संग है या जो भौतिक संग है आप इसे आगे आते हैं, मतलब पार के आते हैं, उसी तेजी से आप भक्ति में बैठते हैं। तो भक्त का लक्षण ये होना चाहिए कि जो भौतिक संगत है दूर रहना चाहिए, बहुत खतरनाक है। आप अगर भक्त के संगत में रहते हो या नहीं रहते हो, कम से कम जो भौतिक संग से दूर रहने से आप भक्ति करने की चांसेस है। आपको कुछ बीमार, कुछ डिसीज आ गया, ठीक है, बिना कुछ ट्रीटमेंट आप एक महीने जी सकते हैं। तो आपने क्या किया? गलत डॉक्टर के पास पहुंच गए। एक महीने तो वैसे हो आप जी सकते हो, गलत डॉक्टर के पास जाने से गलत दवाई मिलती है, तो दो दिन में आप मर जाते हो, है ना। तो भक्तों की संगत करते ही हम ये भौतिक संग से दूर रहना चाहिए। तो इसलिए तीन प्रकार के भक्त होते हैं, एक है नित्य सिद्धा, नित्य मुक्ता, दूसरा है साधन सिद्धा, तीसरा है कृपा सिद्धा। नित्य सिद्ध का अर्थ है वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं, वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध ऐसा नहीं कि हमें दो हाथ है उनको चार हाथ है, ऐसा अगर कोई जीवन में कृष्ण को नहीं भूलते हैं उसको नित्य सिद्ध कहते हैं। और साधना सिद्ध कौन है?
जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, इनको साधना सिद्ध कहते हैं और कृपा सिद्ध होते हैं। साधना करने में दिक्कत होती है, कई जन्मों की जो वृत्ति के जो वासनाओं के अनुसार उनको भक्ति करने में बहुत दिक्कत होती है, फिर भी भक्ति करने का मन है, साधुओं को सेवा करने की इच्छा है, भगवान को अच्छी तरह मानते हैं, फिर भी अनेक अनेक परिस्थितियों के कारण वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो वैष्णव की कृपा अगर मिलता है तो क्या हो जाता है, कृपा सिद्ध बन जाता है। वैसे तो देखा जाए कोई नित्य सिद्ध नहीं है, कोई साधना सिद्ध नहीं है, सब हर एक भक्त कृपा सिद्ध है, दो कैटेगरीज एग्जिस्ट है ही नहीं। कृपा सिद्ध को निर्वचन देने के लिए बाकी दो कैटेगरीज हैं, वैसे तो एक ही भक्त है वही कृपा सिद्ध है, क्योंकि बिना कृपा भक्ति में आगे जा नहीं सकते। तो कितने कैटेगरीज भक्त है, तीन के एक है। तो लोग साधना नहीं करेंगे अगर ऐसा कौन सा, हाँ ये प्रश्न है। तो वैष्णव की कृपा आपको कैसे मिलेगी, हर दिन सिनेमा जाते हो वैष्णव आके आपको आशीर्वाद दे देते हैं, समझ रहे ना। साधना करने से वैष्णव की कृपा मिलेगी, साधना करने से वैष्णव की कृपा मिलेगी ताकि वो साधना को कंटिन्यू कर सके। साधना कंटिन्यू करना का मतलब है आपके ऊपर वैष्णव की कृपा है, इस कृपा से हम साधना सिद्ध बनते हैं और नित्य सिद्ध भी बनते हैं, है ना। तो अगर फर्स्ट लेवल से टेंथ लेवल पहुंचना है तो लिफ्ट में जाना पड़ता है, तो कैसे जाओगे, साधना कैसे जाओगे, बटन दबाएंगे अंदर जाएंगे, तो क्या करेंगे, अंदर दौड़ेंगे क्या, उड़ेंगे क्या, चढ़ेंगे क्या, नहीं कुछ नहीं करना है, वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, ये लिफ्ट आपको लेके जाएगी, वहीं पे रहो, वो लिफ्ट आपको लेके जाएगी। तो भक्ति में कुछ लोग पूछते हैं, अरे प्रभु क्या करना है, कैसे करना है, किसका भाव रखना है, भक्ति में कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल रूप से बताया, चार नियम का पालन करो, 16 माला करो, अपने आप। तो जैसा लिफ्ट की वजह से ही आप ऊपर जा सकते हो, वैसे ही वैष्णव की या भगवान की कृपा से ही आप जा सकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर भी लोग इतना ये हो जाते हैं कि हम और आगे जाए, हम और आगे जाए। जैसा आप ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ेंगे तो बस तो अभी वीक रहे हैं, स्कूल चले गए हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, तो आप 10 मिनट लेट हो रहे हैं। अगर बस के अंदर आप दौड़ोगे क्या और आगे जाओगे क्या, यही है हमारा जीवन में, यही है। आपको एक शरीर मिला है, इस शरीर से आप आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे आप अगर मायापुर जाते हो या सिंधु नदी को पार करना है, आप बुलेट पे आए हैं, 100 से ज्यादा आप चला सकते हो, फिर भी आप ये नदी को पारने के लिए बोट में आप और आपकी बाइक दोनों चलना चाहिए, 2 किलोमीटर बराबर। पारने के बाद आप 100 से जा सकते हो, है ना। जब तक हम ये शरीर में बंधित है, इस शरीर के गुणों के अनुसार ही भक्ति करना चाहिए, और जब शरीर के गुणों की भक्ति करने से हम तपस्या करना पड़ता है, ये तपस्या करने से हम वैष्णव की कृपा को अट्रैक्ट करते हैं और हम भक्ति में आगे चल सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं अमायया, अमायया मतलब निष्कपट, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, अंदर और बाहर एक ही होना चाहिए, इसको कहते हैं अमायया, यही वैष्णव का लक्षण है। संततया, संततया का अर्थ है निरंतर। पता है भक्ति का जीवन कब कठिनाई होती है,
कभी कभी एक प्रण में मेरी भक्ति ठीक थी, मई जून में थोड़ा खराब हो गया प्रभु जी, आनंद नहीं आ रहा था। क्यों? कभी कभी भक्ति मजा देती है, कभी कभी भक्ति मजा नहीं देती है। जब हम भगवान की निरंतर भक्ति जब हो सकती है तब नहीं करते हैं, तब भक्ति कभी कभी आनंद देती है, कभी कभी दुख देती है। जब हम सुख में भक्ति करते हैं दुख नहीं आता है, अगर दुख आता भी है आप दुख में सुख रह सकते, सुखी रह सकते। इसलिए सुबह में बता रहा था, भगवान ऐसे टाइम देते हैं, हमें सुविधा देते हैं भक्ति करने के लिए, जब आपकी शक्ति नहीं होती है तो जो भक्ति आपकी है उससे निकाल के आप जीवन चला सकते हो। जैसा रिटायरमेंट होने के बाद जो आपने कमाया उसको लेके आप चला सकते हो जीवन को। इसलिए स्पिरिचुअल सुपर हम कमाना चाहिए। स्पिरिचुअल सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड मतलब रूहानी, जो जहां पे जब हमारे अंदर शक्ति होती है, जब हमारी भावना ठीक होती है, जब एनवायरमेंट ठीक होता है, खूब से भक्ति करो ताकि पता नहीं कल क्या होगा। समझ रहे ना? तीव्र रूप से भक्ति करो उस दिन उस वक्त, पता नहीं कल क्या होगा, हालत क्या होगी। ऐसे करने से क्या होता है, एकदम आप भक्ति की जो महिमा है, महिमा का रूप से आपके अंदर शक्ति होती है। ये शक्ति जिस दिन किसी ना किसी की वजह भक्ति नहीं कर पाते हो, जो शक्ति में आप पा ले वो आपके आसरा है। इसलिए अनुरोध है, जब हमारे अंदर शक्ति है, हेल्थ वाइज ठीक है, रिलेटिव्स वाइज ठीक है, मेंटली ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से भक्ति करो। ऐसे दिन नहीं आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, रिस्क मत ले लो। इसको कहते हैं निरंतर भक्ति। अनुवृत्या, अनुवृत्या का अर्थ है किसी भक्त के अनुसार हम भक्ति करना चाहिए, गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार हम भक्ति करना चाहिए। ऐसे करने से इस जगत के सृष्टि की पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है, भगवान के बारे में नहीं। समझ रहे ना? ऐसी अमाया संततया अनुवृत्य भक्ति करने से भगवान के बारे में नहीं समझ सकते हैं, ये सृष्टि की पूर्ण महिमा को समझ सकते हैं। इसलिए लोग पूछते हैं कि संसार में दुख क्यों, क्यों इतने लोग भागे हैं। पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो इसलिए अगर हम भगवान से प्रार्थना करना है, ये प्रार्थना कर सकते हो, जैसा परीक्षित महाराज ने जीवन छोड़ने से पहले ये प्रार्थना की। उन्होंने क्या प्रार्थना की? पुनश्च भूय भगवती अनंते रसिम प्रसंगा यदनुश्रया, मतलब पुनश्च भूय भगवती अनंते, अगर मुझे कोई नेक्स्ट अगला जन्म मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप भगवत धाम जाओगे, अगर आपको नेक्स्ट जन्म मिलेगा तो जन्म लेना पड़ता है, तो क्या है, तीन चीज है, भगवती अनंते रतिम, मेरा प्रेम भगवान के साथ ही होना चाहिए। ये प्रार्थना आप कर सकते हैं, अगर मुझे अगले जन्म लेना पड़ता है, भगवान मुझे ऐसा वर दो ताकि जो मेरा प्रेम है आपकी तरफ हो और किसी के तरफ नहीं। पुनश्च भूय भगवती अनंते रतिम प्रसंगा तदुपाश्रयेषु, और दूसरी चीज क्या है, भक्तों की संगत में मुझे रहने की मौका दो। ये दूसरा प्रार्थना कर सकते हो। क्या है? प्रेम केवल आपकी तरफ और भक्तों का संगत
और सर्वत्र मैत्रेय द्विजेभ्यः, इसका मतलब सारे जीवों के प्रति स्नेह संबंध, भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों का संगत, जितने सारी जीवी हैं मतलब योनि है, जीवात्मा है, खास करके मनुष्य जीव है या जो भी है, जितने सारे जीवात्मा है उनके साथ स्नेह संबंध रखना, ये तीनों हम प्रार्थना कर सकते हैं। यही भक्ति का पूर्णता है, कंप्लीटनेस है। केवल मैं भक्तों का संगत करता हूं तो प्रेम परिवार के साथ है वो अलग है, प्रेम हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति होना और किसी के लिए योग्य नहीं है। जैसा जब औरत शादी करते हैं, लड़की शादी करते हैं, क्या है प्रेम केवल अपने पति की तरफ ही होना चाहिए। आदर परिवार के साथ जितने भी संबंधित हैं, पति के संबंधित हैं, दे सकते हैं, मगर प्रेम केवल उनके पति के अनुसार उनकी तरफ ही होना चाहिए, यही पतिव्रता कहते हैं। वो चीज को सिखाने के लिए एक एक जन्म में अपने पति के पति की सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है, सनातन धर्म है, ताकि एक जन्म में वो कृष्ण के प्रति अपनी आकर्षण हो जाए। और नेक्स्ट भक्तों का संगत, और तीसरा सारे जीवात्माओं के प्रति स्नेह का संबंध रखना। तो ये प्रार्थना करते हैं हम भक्ति में बहुत आनंद से आगे जाते हैं। स्नेह संबंध का भी प्रभु ट्रांसलेशन करते हैं। स्नेह संबंध का अर्थ क्या है, स्नेह का अर्थ क्या है, फ्रेंडशिप का अर्थ क्या है, मिलके सेवा करना ही फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए आपने दे दिया और मैंने गला मिला दिया, ये फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप का अर्थ है मिलके सेवा करना और कुछ नहीं। मिलके सेवा करना, बाकी सारे डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं, ये इस प्रथम निर्वचन है। तो इस प्रकार हम जो रथांग पानी है, सवेद धातु पदवीं परस्या तुरंत वीरे से रथांग पानी, कृष्ण का दूसरा नाम है चक्रपाणी। चक्रपाणी नाम सुने, चक्कर उठाने वाले, हाथ में चक्कर, कैसा चक्र, चक्रधारी। दो तरीके के चक्र है, एक चक्र भीष्म को उद्धारण करने के लिए उठाया, दूसरा चक्र हमेशा अपने हाथ में रहते हो, सुदर्शन चक्र। तो चक्रधारी का अर्थ है जो भगवान ने भीष्म जी के लिए उठाया उसको चक्रधारी कहते हैं। अगर भगवान को आप सुदर्शन चक्र के साथ देखोगे इतना प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, अगर वो चक्र के साथ देखोगे, अरे भगवान इतना कृपाल हुए कि अपनी भक्ति की रक्षा के लिए ऐसे कर दिया है। रथांग पानी, रथ मतलब रथ है, चैरियट है, अंग मतलब जो रथ का एक पार्ट है वो चैरियट है। रथांग पानी वो चक्र को धारण करने वाले हैं, वो चक्रधारी है, रथांग पानी। हम रथांग पानी के बारे में हम आगे जा सकते हैं। तो यही श्लोक का अर्थ। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है, लगभग 50 मिनट्स में पूरा, कोई प्रश्न है? वैष्णव से दूर रहना, अवैष्णव से जो उनसे दूर रहना ही वैष्णव संगत है। तो जैसे कोई प्रचारक है उनसे मिलता है तो वो रहना वो संगत है, या फिर उनका जो असर है अपने ऊपर लेना वो संगत से दूर रहना, इसका थोड़ा क्लियर करें। अवैष्णव के साथ रहने पर भी आप वो संग से मुक्त हो सकते हो,
और ना रहने के बाद भी आप संगत में रह सकते हो। हम सोचते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट है, नहीं नहीं, अगर प्रैक्टिकली आप देखा जाए, जब तक आप ये 6 आइटम्स इनके साथ नहीं करते हैं, मतलब इनके एसोसिएशन में नहीं है। ये रूप गोस्वामी ने कहा प्रीति लक्षणम, क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति भुङ्क्ते भोजयते चैव, गुह्यमाख्याति पृच्छति शरीरे प्रीति लक्षणम। हमेशा याद रखें ये 6 वस्तुएं आप अवैष्णव के साथ मत कीजिए। क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति मतलब देना, देना। प्रतिगृह्णाति मतलब लेना, स्वीकार करना, लेना। हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? भगवान का नाम दे सकते हैं। क्या ले सकते हैं? भगवान। अगर हम कुछ देंगे लेना पड़ेगा ना। अवैष्णव का भगवान का नाम देके उनके से कि आप कैसे बात पाओगे? क्या ले सकते हो उनसे? धन ले सकते हैं भगवान से। आप किसी के पास जाते हो, भगवान का नाम देते हो, इसके प्रति आप क्या ले सकते हो उनकी तरफ से? आप तो दिया है, वो जब करता है नहीं करता है वो पता नहीं। आप तो दे दिया है भगवान का नाम, एक गिफ्ट तो दे दिया है, वापसी में। कल का श्लोक है, कल का श्लोक का क्या है, उसकी भाषा क्या है, समझ रहे ना? उसकी भाषा क्या है? भाषा मतलब जब हम कुछ देते हैं कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं जब उस तरफ से हमें कुछ मिलती है। जैसा नित्यानंद प्रभु सामना करना पड़ा, वो प्रचार करते थे, कुछ लोग मतलब इनवाइट करते थे, कुछ लोग गाली देते थे, कुछ लोग ऐसे ही रहते थे, नेगलेक्ट करते थे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देना हरिनाम, लेना क्या है? कुछ नहीं है। अगर कुछ मिलता ही है इससे विचलित नहीं होना, इसका मत है ना लेना का अर्थ है लेना। प्रैक्टिकली मतलब कोई भी चीज मिल जाए ठीक है ले लिया उसका स्वीक, मतलब अगर कोई आपको अरे प्रभु जी आप में इतना धन्य हो गया हूँ, आप इतने बड़े भक्त है, हमारे पास आके भगवान का नाम दिया है, आपको बहुत तारीफ किया, ठीक है। क्यों आपके पास कुछ काम नहीं क्या? मुझे आप भगवान का कृष्ण का नाम बता रहे हो, प्रचार कर रहे हो, गाली दे दे, वो भी ठीक है। दोनों को स्वीकार करो, इसका अर्थ है लेना। अगर ना अगर आप नहीं लेओगे क्या रिएक्शन दूसरे पास दूसरे दूसरे समय देने के लिए आप नहीं जाओगे? यस। जब तक आप नहीं देओगे आपके पास वो नहीं रहेगा। जैसा कुआं वेल, जब तक आप पानी निकालते हैं तब भी फ्रेश पानी आ जाता है, जब बंद करोगे खत्म होता है वेल, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुआं ददाति प्रतिगृह्णाति और गुह्यम, गुह्यम मतलब जो कॉन्फिडेंशियल चीज है, जो प्राइवेट मैटर से, फैमिली मैटर से बाकी लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए। केवल जो लोग वैष्णव है उनका आचार विचार ठीक है उनके साथ ही करना चाहिए, इसको गुह्यम। और प्रश्न हर आदमी से नहीं पूछ सकते हैं, केवल भक्त से पूछ सकते हैं, वही आपको सही जवाब देगा। दुनिया में इतनी आबादी है वहां से प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। भूंगते भोजयते चैव, ये इंपॉर्टेंट है। भूंगते, भूंगते मतलब खाना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना, कुछ चीज लेना। हाँ,
खाना भुंगते मतलब खाना, भोजयते मतलब खिलाना, खाना खिलाना। तो आप क्या खाओगे? तो अगर पूरी हलवा के साथ पूरी कृष्ण प्रसाद आपका हैदराबाद सेंटर में मिलता है, अगर प्रचार जाओगे वहाँ थोड़ी कृष्ण प्रसाद देगा आपको। तो वहाँ क्या करना चाहिए? सेफ खाने पूरी पकवान अगर मिल जाए ठीक है, और हलवा भी मिल जाए, कुछ मीठा मिल जाए, बाकी नहीं खाना। पनीर की सब्जी मिल जाए, बिरयानी मिल जाए। पनीर की सब्जी बिरयानी सब मिलते क्या? मतलब आप प्रचार करने जा रहे हो क्या? पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब घूमते मतलब जो चीज हम खा नहीं सकते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अगर पूछते हैं कि प्रेशर होता है, एक बार कहो, दो बार कहो, तीसरे बार आपको रेस्पेक्ट करेंगे, वो आपको खुद पका के जो आप चाहते हो वो आपको देंगे। एग्जैक्टली सही। तो फर्स्ट टू थ्री टाइम्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम इसको थोड़ा बर्दाश्त करना है, इसको ही तपस्या बोलते हैं और कुछ नहीं। तपस्या मतलब हमें कुछ चीज अच्छा नहीं लगता है फिर भी करते हैं, थोड़ा दुख पाते हैं करते हुए, इसको तपस्या कहते हैं। अगर ये छह लक्षण और आप किसी के साथ शेयर करोगे उनकी भावना आपके अंदर आ जाएगी, इसके बिना आप हजारों लोगों के साथ मिल सकते हो, नाच सकते हो, जो भी कर सकते हो, मगर ये छह वस्तुएं थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब तक आप ये छह चीज नहीं करोगे किसी के साथ, इसको संगत नहीं बोलते, इसको संगत नहीं बोलते। अगर मछली को पकड़ना है पानी से बाहर रह के पकड़ना है, अगर पानी में डूब जाओगे तो क्या आता है मछली पकड़ने का? ना मछली मिलेगा ना आप रहोगे। तो एसोसिएशन मतलब ये छह आइटम्स आप दे सकते हो, एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसके साथ मिल सकते हैं कुछ देने के लिए, वहां से कुछ लेने के लिए नहीं है, फिर भी हम रिस्क को कैलकुलेट करके आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेर के सामने खड़े होके आ जाओ मैं गले लगाता हूं, वो भी जीवात्मा है परमात्मा है हम दोनों एक ही। नहीं, जू में जाओ बस देखो आनंद ले लो आ जाओ, गले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसपे परमात्मा भी है। रिस्क को कैलकुलेट करना है, कहाँ पे किस तरीके का प्रचार करना है, कैसे बोलना है। तो अगर आप सवाल पूछते हैं प्रभु ये कैसे है? मुझे पता है ये आप ये तरीका नहीं है कि आप ऐसे विद्या को सीखो। तदाम बुद्धि योगतम, कृष्ण आपको बुद्धि देते हैं किस समय पे क्या करना है। ये कुछ बुक नहीं है, कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस कॉल में कोर्स है, ये पढ़ने से आपको कहाँ पे किस तरीके प्रचार किस तरीके बोली जाए, तो वो फालतू है, कुछ नहीं। तदाम बुद्धि योगतम, आप अपनी भक्ति करो, अंदर इच्छा रखो, भगवान आपको बुद्धि करें। जो सवाल आहे को कहो भले सिंधी में पूछो सी उर्दू में ट्रांसलेट करके पूर्वक बुधाई ना रहा सफा फुल सिंधी है देखो ना मतलब के मानो सवाल पूछने में तो घबराई ना ना पो मानो समझ में आया जो बातें हम डिस्कस की हां ये थोड़ा सा कल से रिलेटेड है जो कल की कथा हुई थी डिजायर्स के बारे में आपने बोला था मतलब जो भी हम डिजायर करें वो कृष्ण के लिए हो तभी वो डिजायर सही है लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हमारी इच्छाएं हर बात पे होती हैं मतलब बच्चों से इच्छा कि वो अच्छे अच्छा पढ़े हमारे साथ बिहेवियर अच्छा हो हस्बैंड से इच्छा कि वो हम अगर प्यार से चल रहे हैं तो वो वापसी में प्यार से चले खाना अच्छा बना रहे हैं तो हमें जो है कोई क्रिटिसाइज ना करें तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें भी इच्छा है मतलब हर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो हमारे आसपास हम इच्छा से घिरे हुए हैं तो इन इच्छाओं से कैसे हटे मतलब जैसे वो इच्छाएं हमें तकलीफ ना दें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बुरा ना लगे इन सब से हमें बाहर कैसे निकलना राखी माता जी बहुत अच्छा प्रश्न श्रीमद् भागवतम
मैं चौथा स्कंध में काम सर्व काम होगा मोक्ष काम अवधार भी तीव्रेण भक्ति योगे न जगेता पुरुष परम। जब हमारे पास कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं वो डिजायर्स को यूज करके हम भगवान के पास जाना चाहिए। जैसा आपको एग्जाम में एकदम फर्स्ट रैंक मिलना चाहिए, ठीक है, आपको ये फेथ है, आपके पास ये फेथ है कि अगर भगवान का नाम जप करके भगवान के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करके उनकी कृपा से आपको फर्स्ट रैंक मिलती है तो क्या करोगे? एकदम ध्यान पूर्वक तीव्र रूप से भक्ति करोगे क्योंकि आपको फर्स्ट रैंक मिलना है। आपको ये भी पता है कि भगवान की कृपा से ही मिलेगा तो इसलिए तीव्र रूप से भक्ति करते हैं। तो क्या होता है, जैसा हम ऊपर चढ़ने के लिए एक स्टूल रखते हैं, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाते हैं स्टूल पर पैर रखे, उसके बाद अगर स्टूल रहता है नहीं रहता है फर्क नहीं पड़ेगा, हम आगे जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जितने सारे वांछाएं हैं ये सबको यूज करके भगवान का नाम पुकारो। जैसा जब सुबह माला लेते हैं ना, अगर कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न है भगवान से पूछना चाहते हैं जैसा मैंने कल कहा, तो ये सारे डिजायर्स को लेके भगवान के सामने रखो। वांछाओं को अच्छी तरह पूर्ण करने के लिए आप भगवान की सहायता मांग रहे हो। तब क्या होता है, जब भगवान ये वांछा दोनों आप लिंक करते हैं ये वांछा शुद्ध होती है। वांछा को दूर नहीं कर सकते, डिजायर को दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए जब करने के समय बहुत सावधान से करना चाहिए। दो चीजों पे आप सावधान होते हैं, एक है जब आप शुद्ध भक्त बनते हैं सावधान पूर्वक जब करते हैं, जो दूसरी चीज है अगर आपको कुछ पाना है तो तब भी आप सावधान भक्ति करते हैं। समझ रहे ना, जब आपको कुछ मिलना है या कुछ पाना है भगवान की तरफ से तब भी आप सावधान भक्ति करोगे। अगर भगवान की प्रीति के लिए भी सावधान भक्ति कर सकते हैं तो हम पहला चीज करना चाहिए। तो इसलिए अकामा, अगर आपके पास कोई काम नहीं है कोई डिजायर नहीं भक्ति करो। सर्व कामा, आपके पास सब कुछ मतलब सारे डिजायर से फिर भी सेवा करो। अकामा मोक्ष कामा, मोक्ष की इच्छा है तब भी आप भगवान की सेवा करो। किस तरह की सेवा, तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्र रूप से। जैसा आप किसी आदमी से कुछ पैसे लेना है कैसे मांगोगे की जरूरत है ना, जब तक आपको भगवान की जरूरत है जीवन में तब तक तीव्र रूप भक्ति नहीं कर पाओगे। वो जरूरत क्या है केवल आपको ही पता है। तो इसलिए ये सारे डिजायर्स को आगे रखते हुए भगवान की अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं केवल नाम जप के द्वारा। तो चैंटिंग के समय आप जो बात करना है भगवान से बोलिए, जो आपके अंदर इच्छा है भगवान के सामने प्रस्तुत कीजिए। जब दो डिवोटीज आते हैं आमने सामने, जब ये दोनों डिवोटीज कम से कम एक डिवोटी एक चीज को बहुत सीरियसली कन्वे करना चाहते हैं तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 100% रहते हैं दूसरे व्यक्ति पर, कॉन्सेंट्रेशन 100% रहते हैं। इसी तरह जब हम नाम जपते हैं चाहे शुद्ध भक्ति है या कुछ मेटीरियल डिजायर्स, नाम का प्रभाव अलग होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप और तीव्र रूप से भगवान की भक्ति करो, ये सारे डिजायर्स अपने आप खत्म हो जाए। जैसा कुज्जा, कुज्जा जानते हो, भगवान श्री कृष्ण जब 11 साल के थे वो मथुरा चले गए, जब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा के जो रोड पे चल रहे थे रास्ते पर चल रहे थे, इतना खूबसूरत है। समाधि ध्यान का अर्थ है
भगवान के जो चिन्मय शरीर को हर एक अंग को ध्यान लगा के मेडिटेट करना है, यही ध्यान है। नख से मस्तक तक उनके पैर कैसे हैं, उनके नाखून कैसे हैं, उनके मतलब वेस्ट कैसा है, वक्षस्थल कैसा है, उनके अधर कैसा है, आंखें कैसे हैं, सब मनन करो, यही ध्यान है। योगी का अर्थ है जो भगवान का रूप को ये करता है। तो कुब्जा ने क्या किया, जैसे भगवान को देखा कुब्जा के अंदर काम की वासना उत्पन्न हुई, इतना सुंदर लड़का है, सुंदर बालक है, किसी ना किसी तरह इनके संयोग कर संभोग कर। तो बिना शर्म रिक्वेस्ट की आप मेरे घर आओगे शाम को, तो भगवान थोड़ा शर्मिंदा हो गए थे क्योंकि बगल में बलराम जी भी है। तो भगवान ने कहा ठीक है। इससे पहले क्या हुआ, कुब्जा में एक अच्छी प्रवृत्ति है, सेवा का भाव है, चंदन लेके जा रहे थे कंस के लिए। जब कृष्ण के सुंदर रूप को देखा, जो अपनी दास है वो कृष्ण को देने के लिए चाहे स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के देह को ये चंदन लगाया। अरे ये चंदन आपके पास ही होना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए, आप इतना सुंदर हो, लगाया, परमिशन नहीं पूछी, एकदम भगवान को देगा। तो ये चंदन अर्पित किया। अर्पित करने से मतलब कुब्जा है ना खूबसूरत नहीं है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कुब्जा के लिए जो इसको क्या कहते हैं तो उसके बाद भगवान आए हैं घर, तो एकदम ऐसा माहौल बनाया कि भगवान के अंदर और उनके अंदर काम की वासना जो उत्पन्न किया जाए। इसे माहौल भगवान सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है, अगर दुनिया में एक ही ब्रह्मचारी वो कृष्ण है। उद्धाम भाव कृष्णाम वर्गोहासम व्रीडावलोक अर्चुनाम, मतलब जो रुक्मिणी है द्वारका में जितने सारे रानियां हैं, भगवान को एक इंच भी इंद्रियों से विचलित नहीं कर सकते। यस्येन्द्रियम कुह कहे नशे कुह, इतने बड़े ब्रह्मचारी है, स्थित प्रज्ञ भगवान, आप क्या सोचते हो। तो कुब्जा ने क्या किया, भगवान की जो दिव्य मंगल विग्रह को देखने लगा, तो चरण कमल से शुरू किया। जब चरण कमल में मन लगा तो ऊपर नहीं गए, चरण कमल को देखते देखते ही पूरी रात ऐसे ही हो गया। तो भगवान चरण कमल को देखे शुद्ध हो गया। पहले क्या है, काम की वासना एक तरफ से देखा जाए भौतिक रूप से, फिर भी भगवान ने अप्रूव किया है, उसको पता है अगर जो मुझे जोड़ेगा खत्म हो जाता है सारे वासना। यही भक्ति का अर्थ है और उसकी महानता है। और कोई प्रश्न है? जी मैं भगवान एक है, जी। तो हम भगवान एक है। जब भगवान घर पे होते हैं उसको कृष्ण बोलते हैं, जब काम पे होते हैं उसको विष्णु बोलते हैं। जब घर पे होते हैं जो करना है आप कर सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो, गाली दे सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि मतलब जो कर सकते हो आप बिना कोई रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, है ना। यही कृष्ण है, आनंद चिन्मय। अगर आपके पति अभी जज बन गए हैं, जजमेंट देने के लिए आसन पे बैठे हैं, आप जाके गले नहीं मिला सकते हो, आप कैसे हो, लंच बॉक्स ले लिया, ये सब नहीं मिला सकते हो। घर आने के बाद में बात करेंगे। तो इसका अर्थ है जो भक्ति भावना है
संपूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति ही कर सकते हैं, क्योंकि जब भगवान घर पे होते हैं वो कृष्ण हैं, और जब काम पे होते हैं शंख चक्र गदा पद्म लेके बैठते हैं। किस चीज के लिए घर में क्या जरूरत होती है? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट आर्मी में काम करते हैं तो सोते हैं तब भी AK-47 रखते हैं, क्या जरूरत है? कुछ नहीं है। तो इसलिए कृष्णा और विष्णु के अंतर कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। मगर कृष्ण बहुत सुंदर है, जितना सुंदर है वो विष्णु भी चाहता है कि मैं कृष्ण के गले लगाऊं और कृष्ण के पर मेरे मति लगाऊं। भगवान के 64 गुण हैं, इनमें से विष्णु में 60 गुण हैं, 6 गुण हैं, 4 गुण हैं वो केवल कृष्ण पे होते हैं। एक है रूपमाथुरी, रूपमाथुरी मतलब भगवान इतना सुंदर है, भगवान इतना सुंदर है, सबसे बड़ी पतिव्रता लक्ष्मी भी अपने पति को छोड़ के भगवान कृष्ण के साथ जाना चाहती है। वो इतना सुंदर है, दुनिया में कोई ऐसा स्त्री नहीं होता अपनी पतिव्रता व्रत को रखते हैं, इतना सुंदर है। दुनिया में कोई ऐसा पतिव्रता नहीं है कि कृष्ण को देख के भाग जाऊं, सब भागते हैं कृष्ण के पीछे, वो इतना सुंदर है। ये रूपमाथुरी, वेणुमाथुरी मतलब वो ऐसा बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण सप्त स्वर में बांसुरी बजाते हैं, कई कुछ नोट्स हैं। जब वो पांचवा स्वर में बांसुरी बजाते हैं वो पांचवा स्वर गोपियों को बुलाने के लिए, जब वो सिक्स्थ नोट पे बांसुरी बजाते हैं तो एकत्रित काल में, एक काल में सारे सीजन्स वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु सब एकत्रित होते हैं। जब वो सातवा स्वर में बांसुरी बजाते हैं पत्थर भी पिघलते हैं, जब वो आठवा स्वर पे भगवान बांसुरी बजाते हैं ये स्वर अष्टम स्वर केवल श्रीमती राधा रानी के लिए, कोई इसको सुन नहीं पाते हैं ना जानते हैं, क्योंकि जैसा मोबाइल अलग नंबर होते हैं ना, मैं कुछ नंबर डायल करता हूँ केवल मुकेश प्रभु के पास ही जाता है और किसी के पास नहीं जाता है। तो ये कृष्ण का रूपमाथुरी, वेणुमाथुरी, क्या चार रूपमाथुरी वेणुमाथुरी डांसिंग करते हैं क्या बोलते हैं चार चीजें जो भक्ति वैभव स्टूडेंट्स रूप माधुरी वेणु माधुरी भक्त परिवेष्टित, इसका मतलब हमेशा कृष्ण भक्तों के साथ है। और तीसरा कुमारी नटवर है ना, तो नाचते हैं गुनगुन है याद ही बोल रहे ठीक है। वो मोर पंख है विष्णु ने पहने, रूपमाथुरी वेणुमाथुरी भक्त परिवेष्टित और कुछ है आप रूम सकते हैं, चार गुण है केवल कृष्ण के, विष्णु पे नहीं होते। और कोई लीला, लीला माथुरी, लीला माथुरी, हाँ लीला माथुरी, लीला माथुरी का अर्थ है ऐसे लीला करते हैं कोई ऐसा लीला नहीं कर सकता, भगवान की लीला ऐसे ही कृष्ण की लीला। स्वरूप माथुरी, लीला माथुरी, वेणु माथुरी, भक्त भक्त परिवेष्टिता है प्रेम माथुरी। मेडिटेशन ध्यान चिंतन करना, चिंतन करना। प्रभु जो माला की संख्या है वो लाजमी फिक्स होती है, इसका क्या कारण है? मतलब
माला की जो संख्या मुझे लोग एक सौ आठ नहीं एक माला करना दो करना सोलह करना ये इनकी संख्या का फिक्स करने का क्या टेक्निक क्या है साइंस क्या है? हाँ श्रीनिवास आचार्य सद्गोस्वामी अष्टकम में बताते हैं संख्या पूर्वक नाम फिक्स्ड राउंड्स करने का मतलब है हमारे डिटर्मिनेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना दिखाना। अगर कोई फिक्स्ड माला करते हैं इसका मतलब वो सीरियस है। तो पहले भक्ति में क्वांटिटी आती है क्वालिटी नहीं आती है, समझ रहे हैं? अगर आपके पास क्वालिटी है कैसे पता चलेगा? क्वांटिटी से पता चलेगा, समझ रहे हैं? आप क्वालिटी भक्ति करते हो इसका मतलब भगवान का नाम लेने में रुचि है। पहले 16 माला करते हैं 20 माला करना शुरू किया, जो क्वालिटी किस रूप में परिवर्तन हो गया 20 से अब 16 से 20। तो क्वालिटी क्वांटिटी से पता चलता है। हम अगर भक्ति में क्वांटिटी से पता करना चाहिए क्वालिटी हमारा मन भी पहचान नहीं पाती है क्या क्वालिटी है, तो इसलिए क्वांटिटी मेंटेन करना चाहिए संख्या मेंटेन करना चाहिए। वो तो ठीक है बाबू, लेकिन भक्त कहते हैं कि भले आप संख्या 32 करते हैं अगर क्वालिटी के साथ नहीं करते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। हाँ तो और दूसरा है कैसे पता है कि ये क्वालिटी है या नहीं है? एक बात बताता हूं, आप जप कर रहे हो आप एक साधक हो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि क्या सच है क्या गलत है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है कि क्या सच है क्या गलत है आप कैसे बोल सकते हैं कि ये गलत है? जब आप क्वालिटी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है तब कैसे बता सकते हो कि ये क्वालिटी नहीं है? केवल नंबर को मेंटेन करना ही क्वालिटी है शुरुआत में, केवल नंबर को मेंटेन करना ही क्वालिटी है। अदरवाइज क्या होता है क्वालिटी के चक्कर में 16 माला 12 हो जाते, 12 10 10 शून्य हो जाते। क्वालिटी के चक्कर में मत पड़ो, पहले क्वांटिटी रखो, क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्वालिटी का अर्थ है आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, है ना? सिंपल बात है। शुरू वाले भक्तों को कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए? जितना वो कर सके, जितना वो कर सके, वो मतलब फिक्स करे डेली। हाँ, वो डेली फिक्स, जितना वो कर सके और मेंटेन कर सके, इसे नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे जाना चाहिए। अगर दो माला करें कोई प्रॉब्लम नहीं, दो माला ठीक से करो, एक साल कर रहे हो करो ठीक से करो, ऑटोमेटिकली आप 3-4 माला करने की इच्छा पैदा होती है, ये भगवान नाम का एक गुण है। उनमें से दसवां नाम अपराध है इनएटेंटिव चैंटिंग, सावधान पूर्वक जप नहीं करना एक बड़ा अपराध है। ये अपराध बाकी 9 अपराधों का मूल कारण है। सावधान पूर्वक जप नहीं करना का अर्थ है इस पे बाकी सारे 9 अपराध इस पे हैं। मैं अभी आते के समय एक होली नेम रिट्रीट किया ऑस्ट्रेलिया में, जपा रिट्रीट, उस पे 64 माला का क्वाटा है हर दिन, तो क्लास सुबह क्लासेस होते हैं तो 64 राउंड्स करते हैं। उस पे मैकेनिकल चैंटिंग होता है, मैकेनिकल चैंटिंग इनअटेंटिव कैसे होता है? ड्राइविंग जपा है, कुकिंग जपा है, क्लीनिंग जपा है, हरेक तरीके की जपा, योगा जपा है, स्लीपिंग जपा है, ये ठीक जपा नहीं है। और एक होता है प्रभुपाद जपा होता है, प्रभुपाद जपा का अर्थ है, जप का अर्थ है जो बोलना हो सुनना,
प्रभुपाद जी का आवाज इतना जोर रखते हैं कि आपकी आवाज सुन नहीं पाते हैं। इसको प्रभुपाद जब कहते हैं ये मैकेनिकल चैंटिंग है, इनअटेंटिव चैंटिंग है। और एक है इनअटेंटिव इनअटेंटिव चैंटिंग, जैसा आप अच्छी तरह जप कर रहे हो तो एक आदमी ठीक से जप नहीं कर रहे हैं तो उनकी इनअटेंटिव को देख के आप इनअटेंटिव बनते हैं। तो इनअटेंटिव जप से हम कैसे मुक्त होते हैं, है ना, ये भी क्वांटिटी है। तो जितने माला आप करते हो क्वांटिटी अलग है, अटेंशन इनअटेंशन अलग है। जब क्वांटिटी आप मेंटेन करते हैं वो अटेंटिव होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। अटेंशन का मतलब है जब करते समय और कुछ नहीं करना। हमेशा याद रखिए दो चीज आपके भक्ति के जीवन को प्रभाव करते हैं, एक है प्रसाद, दूसरा है हरिनाम। जब आप रिलैक्स होते हो फूड हैबिट्स और चैंटिंग हैबिट्स, भक्ति में आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो अटेंटिव होना चाहिए, दो माला कर रहे हो अटेंटिव करो, चार माला अटेंटिव करो, 16 माला के बाद मैं बता रहा हूं क्वांटिटी, जो फिक्स क्वांटिटी है वो अटेंटिव करो, बाकी सारे समय आप हरिनाम लेना ही है ना, ठीक है, वो काउंट नहीं होते हैं। जैसा आप गार्डन में पानी दे रहे हो, हाथ पे माला है करो, गाड़ी चला रहे मतलब गाड़ी चलाने बहुत ये मत लेते और मेरे सर्टिफिकेट भी पहने में, ठीक है। तो इसका मतलब जो नियमित रूप से क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को सावधान रूप से जप करना है, बाकी सारे समय हरिनाम लेना है, ठीक है। तो अटेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे अनर्थों का मूल कारण है। वो अटेंटिव जप करना है, कोई अगर अटेंटिव जप करेगा वो भक्ति के जीवन में बहुत आगे जाता है, बहुत बहुत आगे जाता है। 30 साल के बाद भी वो वहीं पे है जहां पे था वो, मतलब जब ठीक से नहीं किया है। क्वालिटी और अटेंशन नहीं, अटेंशन डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। सबसे बड़ा अटेंशन है जब करते हुए और कुछ नहीं करना, ये अटेंशन है। मन इधर उधर भागता है वो भगवान का काम है, आपका नहीं, क्योंकि मन भगवान का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वालिटी है वो अलग चीज है, वो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं हमने। जब आप गुलाब जामुन की टेस्ट नहीं किया है तो गुलाब जामुन के बारे में क्या बोल सकते हो आप? मैंने आपको काजा दिया, काजा आप जानते हो? नहीं, काजा काजू काजू जगन्नाथपुरी जाते हो, क्या प्रसाद मिलता है आपको? खिचड़ी, काजू बनता है, स्वीट काजू बनता है, मैदे का बनता है, स्वीट काजू बोलते हैं यहाँ पे, खाते हैं काजू ही बोलते हैं, वहाँ भी बनता है। ठीक है, आप वो काजू खा रहे हो, हाँ, तो आप बता रहे हो कोई गुलाब जामुन की जगह, आपको पता है नहीं गुलाब जामुन, आप नेटिव चैंटिंग कर रहे हो, आप बता रहे हो कि वो मुझे अच्छी तरह क्वालिटी नहीं आ रहे हैं, वो आप जानते नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी से राधानंद महाराज जी ने आई थिंक उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, ये प्रभुपाद जी हाउ डू वी नो दैट वी हैव चैंटेड अवर 16 नोट्स नाइसली। प्रभुपाद जी ने कहा बस जो हमारा साक्षी माला होता है ना, सारे बीट्स वैसे होता है नीचे, हो गया, कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था तो सेम है, कैसे पता चलता है कि आपने जब किया है वो साक्षी है, वो काउंट हो जाए, बस क्वालिटी है नहीं है भगवान, बस जब करते हुए कुछ मत कीजिए, बैठ के जब कीजिए, बस यही बड़ी बात है, बड़ी बात है। उसके बाद सारे अटेंशन ये सब अपने आप, मन कंट्रोल ये सब अपने आप आ जाते। और कोई? हाँ जी, तीन चीजें बताई थी, कपड़ों का सर करना, कृष्ण से प्रेम करना, उसके साथ सबसे फ्रेंडली रिलेशन, तो सबसे जो फ्रेंडली रिलेशन रखना है प्रभु जी, इस पर थोड़ा
जैसे हम यूनिवर्सिटी में होते हैं काफ़ी दफ़ा मतलब इस चीज़ को फ्रेंडली हम रहते हैं तो मतलब गलत मतलब दिया जाता है, तो काफ़ी जगहों पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है आपको, बहुत मतलब आपका दूसरा ही फेस है वहाँ पर मतलब, तो मतलब सबके साथ फ्रेंडली रहना इसका क्या अर्थ है मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा इस पर एलिब्रेट करें। भक्त भक्तों के संगत में बिल्ली जैसा रहना है, बाहर शेर जैसा रहना है। नॉर्मली हम ऑपोजिट करते हैं, भक्तों के बीच में शेर ऐसा करो ऐसा करो, जो बाहर जाते हैं हमको पता है हम भगा देंगे, बहुत विनम्र से बात करते हैं बाकी भगवान से। तो इसका मतलब जहां पे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को सामना करना पड़ता है प्रोफेशनली ऐसा करना है ताकि आपको एक्सप्लॉइट ना करें, ताकि आपको एक्सप्लॉइट ना करें। भक्तों के बीच में बहुत सावधान रहना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन। और सारे जीवों के प्रति स्नेहपूर्व संबंध, इसका मतलब जब किसी की जरूरत है या नीड है, अगर आपकी योग्यता है आप कर सकते हो, यही फ्रेंडली नेचर। इसलिए भक्त को बोलते हैं अजात शत्रु, मतलब कोई शत्रु उनको अभी अभी पैदा हुए नहीं। अगर शत्रु भी आपके पास आते हैं भगवान के प्रति भक्ति में, तो उनको फेवर करना चाहिए, आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। तो हाँ, डिवोटीज जो बाहर काम करते हैं तो बाकी दुनिया को सामना करना पड़ता है, एकदम स्ट्रिक्ट रहना है उनके साथ।